आज जो अब हम न्यू टॉपिक करने वाले हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले इससे पहले कि हम वैल्यूएशन की बात करें, आखिर ये गुडविल है क्या चीज़, क्या है ये गुडविल जिसको वैल्यू करने की बात चल रही है। जब हम बोलते हैं कि हमें गुडविल की वैल्यू करनी है, मतलब किसी चीज़ की वैल्यू करनी है, तो वो जो चीज़ है गुडविल जिसको हम बोल रहे हैं वो क्या चीज़ है। गुडविल जिसे हम वैल्यू करने वाले हैं रियलिटी में एक इनटेंजिबल असेट है। असेट क्या होती हैं? असेट वो होती हैं जो हमारे को प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती हैं। गुडविल एक ना दिखने वाली असेट है, कहीं भी देख नहीं सकते, गुडविल को छू नहीं सकते, लेकिन वो प्रॉफिट अर्न करने में हमारी हेल्प करती है और इसको हम वैल्यू भी कर सकते हैं। कैसे गुडविल हमारी हेल्प करती है और कैसे हम इसको वैल्यू कर सकते हैं उसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जिससे कि आपको पता चल सके कि गुडविल आखिर में रियलिटी में है क्या चीज़। समझाने के लिए मैं कहता हूँ कि से एक मार्केट है और मार्केट में कई सारी शॉप्स हैं जो एक ही जैसा बिजनेस करती है। आपने देखा होगा मार्केट में खासियत होती है कि एक जैसा सामान बेचने वाले बहुत सारे वेंडर्स होते हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं। चांदनी चौक में चले जाओ तो लगातार दुकानें आपको कपड़ों की मिल जाएंगी, बहुत सारी दुकानें, सभी लोग एक ही जैसा काम भी कर रहे हैं, लेकिन ग्राहक भी काफ़ी ज़्यादा आता है, इसलिए वहाँ पर सेल सबकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ कि से एक मार्केट है और उस मार्केट में कई सारे ट्रेडर्स हैं, कुछ नए ट्रेडर्स हैं, कुछ पुराने ट्रेडर्स हैं। मैं मान के चलता हूँ कि इस गली के अंदर, इस मार्केट में सबसे पहले मिस्टर ए एक ट्रेडर हैं जो सबसे पुराने हैं इस मार्केट में, और जो मिस्टर ए कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसकी वैल्यू मैं मान के चलता हूँ कि इसे 2.5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट वो कमा रहे हैं। एक और उनके साथ में एक दुकान है, उनकी दुकान भी ठीक ठाक चलती है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट जो है से 2 लाख रुपीज़ है। सबका प्रॉफिट इक्वल नहीं होता, जितने भी शॉपकीपर है किसी दुकान पे ज़्यादा ग्राहक आते हैं, किसी दुकान पे कम ग्राहक आते हैं, ये सब पुराने लोग हैं। एक और शॉपकीपर है सी, उनका प्रॉफिट कितना है ₹1.5 लाख, ये सब पुराने शॉपकीपर हैं। और एक नया दुकानदार डी, उसने अब आज ही नई दुकान खोली है। अच्छा, जो नई दुकान खोलेगा उसकी कमाई बिल्कुल कुछ नहीं होगी क्या? नहीं, उसकी भी कुछ ना कुछ कमाई, पुराने दुकानदारों की कमाई शायद थोड़ी ज्यादा होगी, नए दुकानदार की कमाई थोड़ी सी कम होगी। मैं कहता हूं से उसकी इनकम 1 लाख रुपये। मेरा सवाल तुमसे यह है कि जो नया शॉपकीपर डी है, क्या वजह है कि उसकी कमाई बाकी दुकानदारों से थोड़ी कम है? क्या वजह हो सकती है भाई? उसने नई नई दुकान खोली है, अभी ज्यादातर लोगों को पता नहीं, चलता फिरता जो ग्राहक आ रहा है वही आ रहा है, कोई पुराना बंदा हुआ ग्राहक नहीं आ रहा। ये सारे के सारे जो पुराने शॉपकीपर हैं उनके कुछ ग्राहक बंद गए होंगे, इन्होंने मार्केट के अंदर थोड़ा अपना नाम पहचान बना ली होगी। आपने देखा होगा कई बार मार्केट के अंदर कुछ दुकानें मशहूर होती हैं, लोग इवन बोल के भेजते हैं हमें कि भाई वहां पे अगर जाओगे तो उसके दही भल्ले जरूर खाना, बड़े मशहूर हैं। तो ऑब्वियसली उसके दही भल्ले मशहूर है, एक दिन में तो नहीं होंगे, उसको टाइम मिला होगा, लोगों ने ट्राई किया होगा, उनको पसंद आया होगा, लोगों ने माउथ पब्लिसिटी शुरू कर दी, अब उसके दही भल्ले मशहूर हो गए। दूसरी दुकान, दूसरी मार्केट में जाते हैं, चाहते हैं जी वहाँ के छोले भटूरे बड़े मशहूर हैं। अच्छा, उस दुकान के साथ ही कोई नया पर्सन भी छोले भटूरे की रेडी लगा ले, क्या दोनों की इनकम बराबर होगी? जो मशहूर दुकान होती है उसके ऊपर लाइन लगी रहती है, जो दूसरा जो नया दुकानदार है वो थोड़ा खाली खाली रहता है। ये नहीं कि कुछ नहीं कमाता, कमाता है, लेकिन उसको भी नाम और पहचान उसकी नहीं बनी है, जिसकी वजह से पुराने लोगों को प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा होगा, सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो मैं मान के चलता हूं डी एक ऐसा पर्सन है जिसका कोई मार्केट में नाम नहीं चलता, सिर्फ चलता फिरता ग्राहक ही उसके पास आते हैं, लेकिन तब भी खाली नहीं कमा, खाली नहीं बैठा, कुछ ना कुछ तो कमा रहा है। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 1 लाख रुपए। अकाउंट की भाषा में इसे बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। इसने जो प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए कमाया, जो नॉर्मल प्रॉफिट है। अच्छा, बाकी के जो लोग हैं, अगर मैं इसको कट ऑफ लाइन में डाल दूं इस 1 लाख रुपए को, तो आपको पता चलेगा बाकी के लोग इससे काफी काफी ऊपर जा रहे हैं। इसके पास कितना प्रॉफिट फालतू जा रहा है? 1.5 लाख। ये जो 1.5 लाख का प्रॉफिट है ये किस वजह से इसके पास है? जब वो नया दुकानदार 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो ये इतना फालतू कैसे, इसका ग्राफ इतना ऊपर कैसे हो गया? क्या वजह हो सकती है? मार्केट में इसका नाम चल चुका है, ग्राहक इसका नाम पूछ के आते हैं खरीदने, मशहूर हो गया ये, इसको भी मशहूर होने में टाइम लगेगा, ये भी थोड़ा फालतू कमा रहेगा, 2-4 साल के बाद इसका भी ग्राफ थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, नए बंदे का ग्राफ नीचे रह जाएगा। थोड़ा टाइम जब किसी को मिलता है तो मार्केट में अपने आप को प्रूव कर देता है, ग्राहक कुछ बना लेता है, उसकी रेपुटेशन बन सकती है, उसका बिहेवियर अच्छा हो तो और ज़्यादा रेपुटेशन बन जाती है, क्वालिटी कंट्रोल करे, अच्छी क्वालिटी दे, अच्छी तरह से सर्विस करे तो गुडविल बन जाती है। बात समझ आ रही है?
ये जितने भी प्रॉफिट आ रहे हैं इनके पास, किसी के पास थोड़ा कम आ रहा है और किसी के पास थोड़ा सा ज्यादा है, ये सारे के सारे प्रॉफिट जो 1,00,000 के ऊपर आ रहे हैं, वो सारे के सारे प्रॉफिट किस वजह से आ रहे हैं? ये उनका जो मार्केट में नाम चल रहा है उसकी वजह से आ रहे हैं। समझ वाली बात ये? हम जो चैप्टर करने वाले हैं वैल्यूएशन गुडविल, हम वो इन्हीं एक्स्ट्रा इनकम्स की बात करने वाले हैं, जो नाम से, जो पहचान से, जो रेपुटेशन से बिजनेस को एक्स्ट्रा इनकम होती है, वही गुडविल होती है। 1,00,000 रुपए कमाने के लिए किसी नाम की जरूरत नहीं है। क्या नाम की जरूरत है? इसने देखो नई दुकान खोली है, इसको कोई नहीं जानता, फिर भी कोई तो ग्राहक आता ही होता, ऐसा तो नहीं कि कोई भी ग्राहक नहीं आएगा, फिर भी उसकी कमाई कितनी हो रही है? 1,00,000 रुपए। तो जिसकी कमाई 1,00,000 से ज्यादा रही, मतलब कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ नाम तो चल पड़ा है, जिसकी वजह से उनकी इनकम 1,00,000 से, इसकी 50,000 फालतू हो रही है, इसकी इनकम 1,00,000 फालतू होती है, इसकी 1,50,000। जिसकी जितनी ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम होगी, मतलब मार्केट में उतना ज्यादा उसका नाम चल रहा है। इसी नाम चलने को बोलते हैं हम गुडविल। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है, दिखने वाली असेट नहीं है, लेकिन ये प्रॉफिट को जनरेट करती है। कैसे क्रिएट होती है? क्वालिटी से, और आपकी जो बिहेवियर होता है उससे, आपकी परफॉर्मेंस से मार्केट में आपका नाम मशहूर हो जाता है, और जब नाम मशहूर होता है तो आपके प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस से प्रॉफिट ज्यादा आते हैं। क्लियर बात समझ आ गई है? तो हम जो ये टॉपिक करने वाले हैं उसमें हम बस यही देखने वाले हैं कि भैया हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम क्या है। जितने भी मेथड हम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं इसी एक्स्ट्रा इनकम की ही बात उठेगी। ये जो एक्स्ट्रा इनकम है, और किसके ऊपर होती है एक्स्ट्रा इनकम? सारी इनकम गुडविल नहीं होती। इस एग्जांपल में कितनी इनकम के ऊपर गुडविल शुरू होगी? 1,00,000 रुपए कमाने तक गुडविल नहीं होगी, 1,00,000 के ऊपर गुडविल की शुरुआत होगी। अगर तुमने 1,01,000 रुपया कमाया तो तुम्हारी गुडविल की वैल्यू जस्ट 1 रुपी है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि इसको वैल्यू कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके हैं इसको वैल्यू करने के। कंसेप्ट तो तुम्हें पता चल गया कि हमारा फोकस किस पे रहने वाला है, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हमें फोकस करना है। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर हमें कोई गुडविल का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा अब मेथड्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। एक ही मेथड है, मदर मेथड इन सबका, जिसको कि मैंने लिख दिया सुपर प्रॉफिट। ये जो मैंने ग्राफ बनाया था जिसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा इनकम को शो किया था, उसको क्या बोलते हैं हम? अपना सुपर प्रॉफिट। तो इसमें आपको सिलेबस में, फिलहाल जो सिलेबस में मेथड है, 4 मेथड्स जो है वो आपके सिलेबस में है। सबसे पहला मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, तीसरा एवरेज प्रॉफिट मेथड, और चौथा इसके अंदर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक मेथड को अगर आप समझ जाओगे, तो सारे के सारे मेथड समझ में आ जाएंगे। और जो एक मेथड समझने वाला था मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। सुपर प्रॉफिट अगर निकाल लिया, सुपर प्रॉफिट कैसा? नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम के ऊपर अगर आपके पास कमाई आ रही है तो इसका मतलब आपके पास सुपर प्रॉफिट आ रहा है, और वो सुपर प्रॉफिट ही गुडविल है। सुपर प्रॉफिट आता ही तब है जब मार्केट में आपकी गुडविल होती है। ठीक है, तो यहां पर हमसे पूछा जाएगा भाई हमारी गुडविल बताओ, सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करो मैं सबसे पहले, गुडविल बताओ। तो हम कहेंगे ठीक है जी, गुडविल बताते हैं। सबसे पहले हमें बताओ कि आपके पास नॉर्मल इनकम के ऊपर एक्स्ट्रा इनकम कितनी आ रही है, और इसी एक्स्ट्रा इनकम को क्या नाम ने दे दिया? सुपर प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले उनसे पूछेंगे क्या बताओ हमें? सुपर प्रॉफिट बताओ। मेरे एग्जाम्पल में 1,00,000 रुपए की कमाई नॉर्मल इनकम थी, और उसके ऊपर जो भी कमाया वो सारा का सारा सुपर प्रॉफिट। तो कोई पर्सन मैं कहता हूँ 1,25,000 रुपए कमा रहे और नॉर्मल इनकम है उसकी 1,00,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? 25,000। बिल्कुल सही, यही 25,000 गुडविल है। लेकिन ध्यान रखना है गुडविल का सिर्फ एक पार्ट है, हम जो भी टोटल एक्स्ट्रा कमाते हैं वो सब गुडविल है। आपने एक ही साल में अगर 1,00,000 रुपए के ऊपर 25,000 रुपए कमा लिए एक साल में, तो गुडविल का तो एक साल का अमाउंट हुआ। गुडविल टोटल प्रॉफिट को बताते हैं, टोटल कितना एक्स्ट्रा कमाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप सवाल पूछेंगे सर ये प्रॉफिट कितने साल तक हमें कमाने का मौका मिलेगा? अगर मैं कहूं ये कमाई तुम्हें 3 साल तक मिल जाएगी, मार्केट में जो हमारा नाम चला हुआ है 3 साल तक हमें कॉम्पिटिटर से घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना गुडविल को कॉन्टिन्यूस मेंटेन करना पड़ता है। आज अगर आपकी गुडविल है ये नहीं पूरी जन्म जन्मांतर तक वो गुडविल बनी रहेगी, आने वाले टाइम में नए कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, जहां पे आज तुम्हारी दुकान है वहां पे कल को मेट्रो स्टेशन बन सकता है और गुडविल डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन 3 साल तक हमें घबराने की जरूरत नहीं है, 3 साल तक हमें एडवांटेज मिलता रहेगा। तो इसका मतलब एक साल में 25,000 का एडवांटेज, तो बताओ गुडविल का टोटल बेनिफिट कितना हो जाएगा?
आपको कि सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 75,000 रुपीज आपकी टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल है। 25,000 तो एक साल की गुडविल थी, टोटल गुडविल 25,000 है। ठीक है, बस में आइए। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि नहीं 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 3 नहीं 4 साल तक मेरे को ये गुडविल का बेनिफिट मिल जाएगा, तो इसका लग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और मेरे गुडविल की अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपीज। गुडविल की कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दी है, बस फार्मूला मुझे बताना है क्या, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ये ईयर्स परचेज का क्या मतलब होता है, कितने साल तक हमें ये गुडविल का एडवांटेज मिलता रहेगा। फ्यूचर में दोबारा ये कंटिन्यू हो सकता है, 4 साल के बाद दोबारा रिव्यू कर सकते हैं, हो सकता है दोबारा 4 साल के लिए आगे रिन्यू हो जाए, कंटिन्यू हो जाए, लेकिन एक बार में 4 या 5 साल से ज्यादा का पीरियड हम कंटिन्यूटी में नहीं लेते, क्योंकि 4 या 5 साल एक लॉन्ग पीरियड है, उसमें कुछ भी हो सकता है। आप 50 साल के लिए गुडविल का एडवांटेज अज्यूम करके नहीं चल सकते। बात समझ में आ गई है? तो गुडविल बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। क्या पूछना है आपको, सुपर प्रॉफिट पूछना है? सुपर प्रॉफिट तो बहुत आसान है, लेकिन ध्यान रखना सुपर प्रॉफिट अभी तो मैंने फटाफट आपको बता दिया, 1 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट, 1.25 लाख कमाए तो सुपर प्रॉफिट मिल गया। रियलिटी में जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो सुपर प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा सुपर प्रॉफिट, हमें 2 इनकम चाहिए इसके लिए। नंबर 1, हमारा बिजनेस कितनी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, हमारा इनकम तो 1.25 लाख कमा पा रहे हैं। नंबर 2, भाई एक नई दुकान खोले तो कितनी कमाई होगी, जिसको बोलते हैं हम क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। तभी तो आपको पता चलेगा सुपर कितना है। जब तक आपको ये नहीं पता आपकी खुद की कमाई कितनी है, तब तक सुपर प्रॉफिट कैसे पता लगाएंगे। तो आपको ये जो सुपर प्रॉफिट है, इसको पता लगाने के लिए एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ सकती है, एक नहीं बल्कि 2 प्रॉफिट जरूरत पड़ेगी। नंबर 1, सबसे पहले देखेंगे हम कितना कमाते हैं, हम कितना कमाते हैं, हमें फिक्स नहीं कमाते। आप कोई नौकरी थोड़ी करते हो कि हर महीने 10,000 रुपये तनख्वाह आएगी। बिजनेस में तो अप डाउन चलते रहते हैं, कभी ज़्यादा कमा लेते हैं कभी कम, तो ये फ्लक्चुएशन दूर करना जरूरी होता है। आपको एक फिगर चाहिए जो आप बोल सके नहीं हम इतना कमा लेते हैं, अंदाजन इतना कमा लेते हैं। मैं आपकी पास्ट हिस्ट्री उठा के लेकर आता हूँ, पता चलता है कि आपकी पास्ट हिस्ट्री में जो आपके प्रॉफिट रहे थे वो ये रहे थे। पहले 1 लाख रुपये कमाया था, फिर 1,25,000 रुपये कमाया था, फिर 1,50,000 रुपये कमाया था, ऐसे प्रॉफिट थे आपके। ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूँ भी कितना कमा लेते हो, आप कहोगे सर 1 से 1.5 के बीच में कमा लेते हैं, कभी 1 भी कमाया है, 1.25 भी कमाया है और 1.5 भी कमाया है। ठीक है ना, तो आपसे अगर मैं पूछूं भाई कितना कमा लेते हो, तो आप ना तो मैक्सिमम फिगर बोलेंगे ना मिनिमम फिगर बोलेंगे। कौन सी फिगर बोलेंगे, जो इसकी एवरेज फिगर होती है। ठीक है ना, हम जब किसी को एक फिगर बोलते हैं तो हमेशा एवरेज बोलते हैं। एवरेज जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की हुई फिगर होती है। बात समझ आ रही है? तो हमारा प्रॉफिट तो लगातार फ्लक्चुएट कर रहा होगा, तो हमसे कोई पूछेगा भैया कितने कमा लेते, तो ना तो मैक्सिमम प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट बोलेंगे, गलत होगा, ना मिनिमम को अपना प्रॉफिट बोलेंगे, वो भी गलत होगा। हम किसको अपना प्रॉफिट बोलेंगे, एवरेज इनकम को। तो सबसे पहले कोई पूछेगा तुम कितना कमाते, तो हम बोलेंगे हम एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट ये पास्ट में हिस्ट्री के जितने प्रॉफिट तुम्हें मिल जाए, 3 साल 4 साल 5 साल सबको जोड़ लो, और जोड़ने का उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो तो एवरेज इनकम पता चल जाएगी। तो क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स का प्रॉफिट मिला उतने ही से ही डिवाइड कर देंगे। लाइक इन तीनों को मैं ऐड करूंगा फिर 3 से डिवाइड कर दूंगा, 4 साल का प्रॉफिट मिला था तो 4ों को ऐड करता हूं, 4 से डिवाइड कर देता। ये कौन सी इनकम आ गई, ये वो इनकम आ गई जो हम कमा रहे। अब हमें एक और इनकम चाहिए, अगर नई दुकान खोली होती तो कितना कमाते, इसे बोलते हैं कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट का पता कैसे लगेगा, अब हम नई दुकान तो खोलने वाले नहीं है, तो क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको एक फिगर दी जाएगी जिससे आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितने लेवल का बिजनेस किया है। भाई छोटा बिजनेस करोगे तो नॉर्मल इनकम कम होगी, बड़ा बिजनेस करोगे तो नॉर्मल इनकम ज्यादा होगी। तो नॉर्मल इनकम आपके बिजनेस में कितने पैसे डाले उस पर डिपेंडेंट है, और मार्केट में एक फिक्स रेट चलता है नॉर्मल कमाई का। आप कोई बिजनेस पूछो किसी से कितना कमा रहे, तो कहता है जी 10 से 12% की कमाई होती है। अब 10 से 12% कमाई का क्या मतलब है, अगर तुमने 1 करोड़ रुपए डाले हैं तो तुम्हारी कमाई 10-12 लाख हो जाएगी। तुमने उसी बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले हैं तो थोड़ी 10-12 लाख की कमाई होगी, फिर 1 लाख 1,20,000 कमाई होगी। जो तुम इन्वेस्टमेंट करोगे उसका 10-12% कमा लोगे। ठीक है ना, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो फिक्स नहीं होता, हम बिजनेस में कितना इन्वेस्ट करेंगे उसके हिसाब से हमें रिटर्न मिलेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको क्या दी जाएगी, क्वेश्चन में कैपिटल बताएगा भाई हमने कितनी कैपिटल डाली, और मार्केट का नॉर्मल प्रॉफिट कितना रेट कमाते हैं वो रेट आपको दिया होगा। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन आप करेंगे, अपनी कैपिटल पूछेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड, और जो रेट दिया होगा नॉर्मल रेट
वो परसेंटेज निकालेंगे। लाइक मैं कहता हूँ मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए डाले और 10% मार्केट में नॉर्मल रेट है, तो यहाँ से तो कमाई आई थी 1,25,000, और यहाँ से क्या आएगी, 10 लाख डाले और 10% रेट है, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। तो मेरे को पता चल गया मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है, मेरा सुपर प्रॉफिट कितना है 25,000। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो गुडविल आ जाएगी। क्लियर है, बस में आ गया। सिर्फ दो चीजें निकालनी है, आप कितना कमाते हैं ये पता लगाओ, और मार्केट के अंदर जो नई दुकान खुलती है वो कितना कमाते हैं, मतलब बिना नाम के कितनी कमाई होती वो। इसके लिए आपको क्या चाहिएगी, कैपिटल, और एक नॉर्मल रेट क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, हो सकता है कैपिटल भी आपको साफ साफ ना पता चले, बट आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपने 11th क्लास में अकाउंटिंग इक्वेशन भी किया कि अगर कैपिटल का नहीं पता तो असेट्स में से लायबिलिटी को हटा दो तो कैपिटल पता चल जाती है। तो अगर कैपिटल ना पता चले तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। कैपिटल इन्वेस्टेड जानने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी जो टोटल असेट्स हैं उसमें से क्या माइनस कर देंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज, जो भी आउटसाइडर्स की लायबिलिटी है वो माइनस कर देंगे। एक और तरीका भी हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है सारे पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर लो, और बिजनेस में कोई प्रॉफिट वॉफिट पड़ा हो तो उसको भी ऐड कर दो, क्योंकि प्रॉफिट भी किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स को ही, प्लस क्या कर दो जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है, तब भी ऑनर का पैसा कितना बिजनेस में डला हुआ है वो पता चल जाएगा। या तो असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज माइनस कर दो, नहीं तो कैपिटल प्लस जो कोई रिजर्व वगैरह पड़ा हुआ है, क्योंकि पार्टनरशिप में रिजर्व वगैरह भी बना ले जाते हैं, तो रिजर्व भी मालिकों के पैसे हैं, मालिकों के अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। क्लियर बस में आ गई है। तो अगर आपको ये चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चले तो आप इन तरीकों से वो चीज़ें पता लगा सकते हैं। ये है आपके फार्ले, उसके बाद एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये फार्ले कैसे यूज़ करते हैं वो करके दिखा देता हूँ, और समझाने के लिए आपके नोट से जो मैं क्वेश्चन यूज़ करने वाला हूँ इसमें पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, वो पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लोग कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कैलकुलेट गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 ईयर। कह रहा है पिछले 5 साल के प्रॉफिट आपको बताए जा रहे हैं। भैया 5 साल के प्रॉफिट क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कितना कमा सकते हैं आप खुद डिसाइड कर सकें। और ध्यान रखना हमारा प्रॉफिट फिक्स नहीं होगा, हमारा प्रॉफिट कभी अप हो जाएगा कभी डाउन, तो हम किसी भी एक प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, ना मिनिमम उठाएंगे ना मैक्सिमम, बीच की कोई फिगर, तो बीच की कोई फिगर क्या हो जाएगी, एवरेज। तो यहाँ पे मैं 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट जान ही लें, गुडविल की कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले देख लेते हैं कि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ रहा है। तो पहले साल हमने कितना कमाया, 7,000, फिर कितना कमाया 6,500, उसके बाद 8,000, उसके बाद 7,500 और उसके बाद 6,000। 5 साल की कमाई है तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। अब कभी कम हुआ प्रॉफिट, कभी ज्यादा हो गया, बढ़ता घटता रहे प्रॉफिट, फिक्स नहीं रहे, तो 7,000 उसके बाद 6,500 उसके बाद 8,000 और उसके बाद फिर 7,500 और उसके बाद 6,000, ये हो गया 35,000। 5 साल में कमाए 35,000, 5 से डिवाइड कर दे कितना आ गया 7,000। आपकी सालाना इनकम तकरीबन 7,000 पड़ती है, वैसे कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा भी रहता है। अच्छा ये तो आपकी एवरेज इनकम, अब जा देखते हैं कि हमारी नॉर्मल इनकम कितनी होती है। उसके लिए हमें पूछना पड़ेगा भाई बिजनेस में कितने कैपिटल डाली थी, क्या गिवन है, हाँ जी साफ साफ गिवन है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 40,000, और हमें नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एक नॉर्मल रेट चाहिए, मार्केट में नॉर्मल कमाई कितनी होती है ये भी गिवन है, कितने परसेंट 12%। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट बड़ी आसानी से जान सकते हैं, हमारी कैपिटल है 40,000 और 12% की कमाई नॉर्मल इनकम है, तो ये फिगर कितनी आती है 4,800। अगर आपने 4,800 से ऊपर कुछ कमा लिया तो इसका मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ तो आपका नाम चलता है, हाँ जी कुछ तो चलता है, हमारी इनकम 4,800 से ज्यादा हुई है, तो कितना नाम चलता है आपका, उसकी वैल्यू क्या है, आप उसको क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो आपका नाम जो चलता है उसकी वैल्यू कितनी है, 7,000 में से माइनस कर दीजिए 4,800, तो आपके नाम की फिलहाल मार्केट में वैल्यू है 2,200 रुपए। लेकिन 2,200 रुपए तो एक साल के नाम की वैल्यू हुई, एक साल की कमाई हुई, जब क्वेश्चन में देखो आपको बता होगा कि कितने साल तक रिपीट कर सकते हैं, 3 ईयर्स परचेज गिवन है सबसे पहले सेंटेंस में, तो ये जो बेनिफिट हमें लग रहा है 3 साल तक मिलेगा, तो गुडविल जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी 2,200 रुपए की कमाई तो एक ही साल में ले लेंगे और 3 साल तक हमारी गुडविल मेंटेन रहेगी, ऐसा हमें फील हो रहा है, तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया टोटल 6,600 हमारी गुडविल की वैल्यू हो गई। यहां पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट।
अब नेक्स्ट मेथड हम स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट मेथड आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट मेथड में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो चीज़ें हमने कैलकुलेट किया उन्हीं से दूसरे मेथड जो हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाएंगे। सेकंड जो हमारा मेथड रहेगा वो रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड, और कैपिटलाइजेशन मेथड को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों से आपको जवाब हमेशा सेम मिलेगा। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और दूसरा है इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दोनों ही मेथड से आपको जवाब बिल्कुल सेम मिलेगा। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है उसका कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। कैसे निकलता है भाई सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दो प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होती है। कौन सा? सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट, दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा जो पहले हमने फार्मूला किया था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी कंसेप्ट सेम रहेगा, सुपर प्रॉफिट तक निकालने का कंसेप्ट सेम है। बस यहाँ पर गुडविल निकालने के दो तरीके हैं, क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले समझ लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या कहता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कहते हैं जो सुपर प्रॉफिट निकला था उसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लो। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है? ये जो रेट जिससे आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था उसी को यूज करके उस प्रॉफिट के पीछे छुपी हुई कैपिटल बताओ। मतलब सुपर प्रॉफिट जो आपने निकाला है उसके पीछे की कैपिटल की वैल्यू पता लगानी है। और जो कमाते हैं वो तो ओनली नॉर्मल रेट से कमाते हैं, लाइक 10% कमाते हैं, 10% निकालने का तरीका क्या होता है? 10/100। मतलब 100 रुपये लगाएंगे तो 10 रुपये कमाएंगे, ये मतलब होते हैं ना। 100 रुपये कैपिटल के डालेंगे तो कमाई कितनी होगी? 10%, 10 रुपये। तो अगर ये सुपर प्रॉफिट है तो इसके पीछे की कैपिटल जानने के लिए उसी रेट को आप क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, मतलब प्रॉफिट से कैपिटल को पता लगा लेंगे। इसको थोड़ा सा मैं इसके अंदर अगर बोलूं तो रियलिटी में जो रेट है, सिर्फ ये रेट जो पहले यूज किया था उल्टा करके आपने यूज कर दें। यहाँ पे 10/100 होगा तो कैपिटल जानने के लिए 100/10 हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर इसका कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि ये गुडविल को कैसे कैलकुलेट कर रहा है, क्या गुडविल को मान रहा है। और समझाने के लिए जो क्वेश्चन मैं इसके अंदर यूज करने वाला हूँ आपकी बुक में से 9 में करा देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन के तुम समझेंगे, पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा रहा हूँ, जिसके अंदर लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है और इन्फॉर्मेशन ये है। क्या है इन्फॉर्मेशन? द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय PQR फर्म आर ₹24,000 पर ईयर। हमें ऐसा लग रहा है फ्यूचर में एक फर्म जो PQR है उसका एवरेज प्रॉफिट कितना रहेगा? 24,000। तो एवरेज प्रॉफिट का तो पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट और पता चल जाए तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट सीधा सीधा वो नॉर्मली बताता नहीं है, उसने यहाँ पे बताया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 1,50,000, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस केस ऑफ द बिजनेस इज 12%। कह रहा है हमने बिजनेस में 1,50,000 रुपये लगाए हुए हैं और ब्याज ही 12% होता है, तो कम से कम 12% तो हमें कमाई होनी ही चाहिए बिजनेस कर रहे हैं आखिर। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी को क्या मान लिया जाएगा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लिया जाएगा। तो ऐसे में नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकालें हम? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम अपनी कैपिटल 1,50,000 का कितना परसेंट निकालेंगे? 12% निकालेंगे। कैलकुलेट करने से कितना जाएगा ये हमारा? 18,000 रुपये। ठीक है जी, 18 की तो कमाई होनी चाहिए, 1,50,000 रुपये आखिर बिजनेस में डाले हैं। तो बताइए कुछ सुपर प्रॉफिट है क्या? आपको कि हाँ जी सर है सुपर प्रॉफिट तो है। कितना सुपर प्रॉफिट है? 24,000 रुपये कमा रहे हैं, 18,000 नॉर्मल इनकम है, तो 6,000 रुपये हमारा सुपर प्रॉफिट है। ये जो सुपर प्रॉफिट है इसके पीछे की छुपी हुई कैपिटल हमारी गुडविल बन जाएगी इस मेथड में। अगर सुपर प्रॉफिट मेथड होगा तो तुम्हें बताएगा कितने ईयर्स की परचेज पे निकालें, जितने ईयर्स की परचेज होगी उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 साल की परचेज है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 साल की परचेज है तो 4 से। लेकिन क्वेश्चन के अंदर गुडविल निकालनी कौन से मेथड से? कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी है। कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी है, इसके लिए जो परसेंटेज आपने पहले यूज की थी नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए उसी परसेंटेज को फिर से यूज करेंगे उल्टा करके। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, और जब 100 बाय 12 करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है इसमें कितनी आ जाती है? ₹50,000।
50,000 पे हमारी गुडविल केस के अंदर वैल्यू हो गई है। ठीक है, बस में आ गई। अच्छा, अब मैं ऐसे बताता हूँ इसके अंदर कि ये जो 50,000 पे गुडविल की वैल्यू आई है, आखिर ये गुडविल कैसे बन रही है। पहले वाले मेथड में तो आसान से लॉजिक से समझ आ रहा है, अरे 3 साल रिपीट होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 साल की गुडविल थी, 3 बार आएगा प्रॉफिट, टोटल गुडविल 3 से मल्टीप्लाई करके आएगी, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जब 4 साल का परचेज होता है। यहाँ पे पर्सनल को उल्टा कर दिया। ठीक है, याद करने के लिए फार्मूला ठीक है, लेकिन कैसे गुडविल मान रहे हैं इसको, ये गुडविल कैसे बन रही है समझ में नहीं आया होगा। इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैं यूज करता हूँ जिससे कि तुम्हें इसका इफेक्ट नजर आए। क्वेश्चन के अंदर 12% रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, क्या मतलब इसका, हम जो पैसा डालेंगे उस पर 12% हमारी कमाई हो जाएगी। ठीक है, चलो इसका मतलब अगर मैंने बिजनेस में 1,00,000 रुपये डाला तो 12% कमाई ये मेरी कैपिटल होगी और प्रॉफिट तो मुझे पता ही है कितना होगा 12%। तो अगर कोई बंदा बिजनेस में 1,00,000 रुपये की कैपिटल डालता है तो उसकी इनकम कितनी होगी, आप कहोगे सर 12% 12,000। अच्छा, अगर 1,50,000 रुपये डालते हैं तो उसकी कमाई फिर 12% होगी, लेकिन 12% इसका कितना हो जाएगा 18,000। अच्छा, और 2,00,000 डालते तो वही 12% कितना 24,000। अच्छा, और 3,00,000 डालते तो फिर वही 12% 36,000। इसमें क्या परेशानी, कोई परेशानी, आप जितना कैपिटल डालोगे उस हिसाब से आपकी इनकम नॉर्मल इनकम बड़ी होती जाएगी। क्लियर है, 1,00,000 रुपये डाले जिसने उसकी इनकम 12,000 होगी, 1,50,000 डाले तो उसकी इनकम 18,000 होगी, 2,00,000 डाला तो इनकम 24 होगी, 3,00,000 डाला तो इनकम 36 होगी। अच्छा, इसी चीज को मैं उल्टा कर सकता हूं क्या, अगर मैं 12,000 पे कमाना चाहता हूं तो मुझे बिजनेस में कितनी कैपिटल रखनी पड़ेगी, आपको सर 1,00,000, क्योंकि 1,00,000 का ही 12% 12,000 होते, तो अगर आप 12,000 कमाना चाहते तो आपको कैपिटल बिजनेस में कितनी डालनी पड़ेगी 1,00,000। अच्छा, अगर मैं 18,000 कमाना चाहता हूँ तो मुझे कितनी कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, आप कहोगे सर 1,50,000 की कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी, 1,50,000 की कैपिटल मेंटेन करोगे तो 12% आपकी कमाई 18,000 हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं 24,000 कमाना चाहता हूँ तो कितनी कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी 2,00,000, और अगर 36,000 कमाना चाहता हूँ तो कितनी कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी 3,00,000। सबको क्लियर है, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन। अच्छा, ये बताओ मैं इसमें क्वेश्चन में कौन से लेवल का प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ, एवरेज बेसिस पे मेरी कमाई कितनी होती है, 12 होती है, 18 होती है, 24 होती है कि 36 होती है, कितनी कमाई हो रही है भाई मेरी, 24,000 कमा रहा हूं। मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जिससे मेरे को जो इनकम हो रही है वो 24, दुनिया की होती होगी 18,000 की, नॉर्मल प्रॉफिट होगा 18, लेकिन मेरी इनकम तो कितनी हो रही है, मेरी इनकम हो रही है 24,000। क्लियर है सबको। अच्छा, 24,000 को यहां से देख के बताओ कितनी कैपिटल इन्वेस्ट या मेंटेन करनी पड़ेगी 24,000 कमाने वाले को, 2,00,000 रुपए, 2,00,000 रुपए कैपिटल मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या मैंने कैपिटल 2,00,000 रुपए की मेंटेन की हुई है, क्वेश्चन में देखो मैंने कैपिटल लगाई थी, कितनी लगाई थी 1,50,000, जबकि मेंटेन कितने की करने की जरूरत है 2,00,000। इसका मतलब कोई हिडन पावर मेरे बिजनेस में काम कर रही है, क्योंकि मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मेरी कैपिटल है कितनी, क्वेश्चन में फिर से चेक कर लो कितनी कैपिटल है 1,50,000, मतलब कोई हिडन फैक्टर है, अदृश्य शक्ति है कोई, गुडविल इज ए हिडन फैक्टर। गुडविल दिखती है क्या, गुडविल दिखती थोड़ी है, गुडविल को टच थोड़ी कर सकते हैं, गुडविल तो मशहूर हो जाते हैं हम तो, गुडविल हो जाती है, इनटेंजिबल असेट है, लेकिन प्रॉफिट कमाने में हेल्प करती है, दूर से लोगों को खींच के लेकर आती है चुंबक की तरह, लेकिन दिखती नहीं है गुडविल, दुकान दिखती है, वहां पे सामान दिखता है, गुडविल नहीं दिखती है, लेकिन इंटेंजिबल फोर्स है, इंटेंजिबल असेट है। तो बताइए 50,000 रुपए की गुडविल है या नहीं है। इस मेथड ने डायरेक्टली, ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसा करने की जरूरत नहीं, इससे पता वही चलेगा जो उसने यहाँ पे, उसने कहा कि सुपर प्रॉफिट का मतलब इंटेंजिबल फोर्स पीछे है। उस फोर्स की वैल्यू को जानने के लिए उसको उल्टा करके जान लेते हैं कितनी कैपिटल मिस हो रही होगी, तो हमने उसी परसेंटेज को, जिस परसेंटेज से मैं यहाँ से यहाँ पे निकाल रहा था उसी परसेंटेज को उल्टा कर दे तो मेरे को सीधा डायरेक्ट कैपिटल की हिडन फोर्स का पता चल गया। समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन। तो बड़ा ही सिंपल और लॉजिकल वे है, ये आपकी हिडन फोर्स को फाइंड आउट कर रहा है। अच्छा, एक और तरीका इसका, दूसरा तरीका भी समझा दूं, इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जो दूसरा तरीका है वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, दोनों में से कोई भी तरीका अपना लो आंसर आपका सेम आएगा। हमें इस बार क्या करना है, यहाँ पे था कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, कैपिटलाइज करने वाले सुपर प्रॉफिट के पीछे छुपी हुई कैपिटल को जाना।
अब हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल डालनी चाहिए उसे जानने की कोशिश करेंगे, और इसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वही रेट उल्टा करके ले लेंगे जो पहले लिया था, ये वाला रेट उल्टा करके वही 100 बाय रेट, सेम पहले रेट अपॉन 100 था अब 100 बाय रेट, मतलब एवरेज प्रॉफिट के पीछे छुपी हुई पावर को जानने की कोशिश करेंगे, कैपिटल को जानने की, और माइनस कर देंगे हमने आपके बिजनेस में कैपिटल डाली कितनी है, कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड को माइनस कर देंगे, आपको जवाब बिल्कुल सेम मिलेगा। इस क्वेश्चन में लगा के देखते हैं, हमें एवरेज प्रॉफिट तो पता ही है कितना भी 24,000, तो अगर मैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालूं तो कैसे निकलेगी, ये वाला स्टेप कर रहा हूं मैं, एवरेज प्रॉफिट है 24,000 और जो रेट था उसको उल्टा करके यूज करेंगे 100 डिवाइड बाय 12, और जैसे मैं इस रेट को यूज करता हूं मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,00,000 रुपए, मेरी कैपिटल की वैल्यू 2,00,000 होनी चाहिए, मुझे 2,00,000 रुपए मेंटेन करने चाहिए। अब गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे भी 2,00,000 मेंटेन करने चाहिए, कैपिटल वैल्यू ऑफ फर्म, फर्म की वैल्यू तो लगाई है हमने 2,00,000, लेकिन आपने पक्की बात 2,00,000 डाले नहीं होंगे बिजनेस में, कैपिटल इन्वेस्ट कितनी की है, कैपिटल इन्वेस्टेड जो कि क्वेश्चन में कितनी है 1,50,000, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ 50,000 पे हुआ, वही हमारा आंसर जो पहले आया था दोबारा आ गया है, लेकिन दो तरीके हैं, दोनों से आपको आंसर हमेशा सेम मिलेगा, ठीक है।